हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल योर इंडियन फूडीज। दोस्तों, आज मैं बहुत ही क्विक और इजी सी चीज़ पनीर रोल की रेसिपी शेयर करूंगी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बिकॉज चीज़ बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है, उन्हें हर चीज़ों में चीज़ चाहिए होता है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, फटाफट से आप किसी भी बर्थडे पार्टी या फिर किटी पार्टी में आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चीज़ पनीर रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम ग्रेटेड पनीर लिया है। पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है एकदम छोटे वाले ग्रेटर से। उसके बाद मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी, मोज़रेला चीज़ ही यूज़ कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। नमक बहुत ज़्यादा ऐड ना करें क्योंकि जो चीज़ है ना उसमें भी नमक होता है, और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी धनिया के ऐड करूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हाथों से हम इसे बाइंड करेंगे, और इस तरीके से बाइंड करके हम इसे ओवल शेप में बना लेंगे ताकि ये रोल्स में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ये बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अभी मैंने यहाँ पे ब्रेड लिया है, ये व्हाइट ब्रेड है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और उसके साइड्स को मैं कट कर दूंगी, जो ब्राउन पार्ट्स होता है ना उसे कट करके अलग कर देंगे, और इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम ब्रेड क्रम्स में यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्रेड स्लाइस को ऐसे रोल कर लेंगे। इस तरीके से हमें सारे ब्रेड स्लाइसेस को ऐसे रोल कर लेना है। यहाँ पे मैं कोई भी शीट या फिर रैप वगैरह नहीं यूज कर रही हूँ, इजी ब्रेड से मैं इस रोल को बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चीज स्लाइसेस रखा है और उसके ऊपर से मैंने ये बॉल्स रख दिया है। थोड़ा सा मैंने रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल किया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो स्पेशली तो आप इसे स्किप कर सकते हो। साइड साइड मैंने ये गम लगाया है जो कि मैंने मैदे से बनाया है। तो इस तरीके से हम इसे लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो जाए और फटे नहीं फ्राई करते वक्त। तो इस तरीके से मैंने इसे रोल कर लिया है, और साइड से भी मैं इस तरीके से इसे स्टिक कर दूंगी। तो यहाँ पे हमने अपने रोल को ऐसे रैप कर लिया है। अभी मैंने एक बोल में 1/4 कप मैदा लिया है और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर लूंगी, और थोड़ा सा हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक बैटर रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्लरी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, और यहाँ पे मैंने जो ब्राउन पार्ट कट किए थे उसके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे इस रोल को ऐसे इसमें डिप किया है, बहुत ही इजी है। इसके बाद मैंने ब्रेड क्रम से इसे कोट किया है। तो बस अभी हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने ऑयल को एकदम हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है, अभी फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और फटाफट से इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बट बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी सी होती है, एकदम चीज़ी सा, क्रिस्पी क्रंची सा होता है। तो इसे इस तरीके से हम पलट लेंगे और दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। कभी कभी क्या होता है, ऐसे चीज़ जो है ना मेल्ट होने लगते हैं तो बाहर आने लगते हैं, तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, ये हल्का फुल्का आ जाता है। तो मेरे चीज़ रोल बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, अभी मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट रोल बने हैं, एकदम क्रंची से क्रिस्पी से बने हैं। तो अभी हम फटाफट से इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे मायो और सेजवान के साथ सर्व किया है, आप इसे चाय या कॉफी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चीज़ी सी होती है।
तो आप देख सकते हैं ये इतना ज़्यादा चीज़ी है, चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो बच्चे बहुत मन से इसे खाएंगे, तो एक बार ही ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए खाते रहिए और खिलाते रहिए।